हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 का, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर, और उसमें हम सेक्शन डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन। सबसे पहले अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क में, क्वांट सेक्शन का वेटेज 35 मार्क्स का रहता है, 35 क्वेश्चंस का। 35 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चंस का वेटेज डीआई से था, 5 क्वेश्चंस का वेटेज अगर हम बात करें या 5 मार्क्स का वेटेज की बात करें तो केसले डीआई से था, 5 क्वेश्चंस का ही सेम आपका नंबर सीरीज से था, एंड 10 to 12 क्वेश्चंस हमारे अर्थमेटिक से आए थे, एंड 8 to 10 क्वेश्चंस हमारे सिंप्लीफिकेशन से। तो ये वेटेज हमारा क्वांट सेक्शन में रहा था, ठीक है। उसी के रिस्पेक्ट में मेमोरी बेस डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन 2021 में एसबीआई क्लर्क में हमारे को एग्जाम में देखने के लिए मिले थे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें एसबीआई क्लर्क में देखने के लिए मिला था वो था प्रॉफिट एंड लॉस से। ए ट्रेडर विश टू गेन 22% आफ्टर अलाउइंग 20% डिस्काउंट मार्क प्राइस टू हिज कस्टमर, बट परसेंट हायर देन द कॉस्ट प्राइस शुड बी मार्क हिज गुड। हमें क्या बताया गया है, एक ट्रेडर है, ठीक है, उसने 22% का क्या दिया है, 22% का क्या लिया है, प्रॉफिट लिया है किसी आर्टिकल पे, और 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट। तो उस आर्टिकल पे, ठीक है, क्या एमआरपी मेंशन करें, यानी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अबव एमआरपी मेंशन की जाए। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस और एमआरपी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस एंड एमआरपी में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमारा होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, एंड एमआरपी हमारे पास होती है 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। डिस्काउंट हमारा कितना है, 20%, 100 माइनस 20 करेंगे 80 आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट हमारा कितना है, 22%, 122 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप हम जितने कम लिखे उतना ही हमारे लिए एग्जाम में क्या होता है, अच्छा, ठीक है। तो यानी हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 80, एंड एमआरपी कितनी हो गई 122। हमसे ये पूछा गया है कितने परसेंट एमआरपी कॉस्ट प्राइस से कितनी अबव लिखी जाए, ठीक है। तो कितने परसेंट, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 80, ठीक है, कितनी अबव लिखी गई है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो 42 इनटू में 100, ठीक है। तो कितने परसेंट एमआरपी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा थी, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये 4 एंड ये 5, ठीक है, 4 से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। तो कितने परसेंट, 52.5%, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितने परसेंट अबव लिखी गई है, 52.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 30 डेज। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एबीसी, ठीक है, किसी वर्क को कितने टाइम में करते हैं, 30 डेज में करते हैं। उसके बाद क्या दिया गया है कि ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क फॉर द एक्स डेज। ए वर्क को स्टार्ट करता है और कितने टाइम के लिए वर्क करते हैं, एक्स डेज के लिए। बी एंड सी कंप्लीट द रिमेनिंग हाफ ऑफ द वर्क, ठीक है, इन 24 डेज। एक बात क्लियर है, यहां पर आपको ये चीज समझनी है कि बी और सी हाफ वर्क कितने टाइम में करते हैं, 24 डेज में। तो कंप्लीट वर्क कितने में करेंगे, जस्ट डबल टाइम, यानी 48 डेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से क्या कर लेंगे, टेक एलसीएम, ठीक है, एलसीएम कितना आएगा हमारा 240, ठीक है। यहां पर कितना आ जाएगा, ए बी सी तीनों की टोटल इफिशियंसी 8 यूनिट एंड बी एंड सी की टू इफिशियंसी 5 यूनिट। तो यहां से हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई, तो ए की एफिशिएंसी आपके पास कितनी आ गई है, 3 यूनिट। पर एक चीज समझनी है हमें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें टोटल टाइम फाइंड नहीं करना। ए ने एक्स डेज के लिए काम किया था और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सबसे मेन चीज समझिए कि बी और सी ने रिमेनिंग हाफ वर्क कंप्लीट किया था 24 डेज में, यानी ए ने कितना वर्क कंप्लीट किया होगा, हाफ वर्क
x डेज में कंप्लीट किया होगा. टोटल वर्क इज 240 यूनिट, ठीक है, तो हाफ वर्क इज 120 यूनिट. तो एक कितने टाइम में करेगा, हमसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है. तो 120 यूनिट वर्क करना है, एक ही पर डे की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, तो कितना टाइम लगेगा ए को 40 डेज, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 40 डेज. हमें टोटल टाइम नहीं पूछा गया था, हमें यही चीज समझनी थी, ठीक है. हाफ वर्क ए ने कंप्लीट किया था x डेज में, तो वो कितना टाइम था 40 डेज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्कोर्ड 215 मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड बी गॉट 50% मार्क्स इन सेम एग्जामिनेशन विच इज 35% मार्क्स लेस देन ए, ठीक है. ए ने कितना स्कोर किया है, तो 215 स्कोर किया, ठीक है. बी ने कितना स्कोर किया, ये किसने स्कोर किया है, ए ने, ठीक है. बी ने कितना स्कोर किया है, तो बी ने कितना किया है 50%, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या कहा है, सेम एग्जामिनेशन विच इज 35 मार्क्स लेस देन ए, बी ने 50% किया है, पर ये 50% क्या है, 215 से 35 लेस है, ठीक है. 35 लेस है, तो यानी कितना है, अगर हमें फाइंड करना है तो 180, यानी 180 किसके इक्विवेलेंट है 50%, ठीक है. तो टोटल एग्जाम हमारा कितने का होगा, जाहिर सी बात है 50% इज इक्विवेलेंट टू 180, तो 100% मार्क्स यानी टोटल एग्जामिनेशन अगर हम कहें तो 360 मार्क्स का होगा, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट टू 30%. मिनिमम पासिंग मार्क्स जो एग्जामिनेशन में चाहिए वो 30% है, ठीक है. तो कितना और हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ठीक है. तो 30% फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 108 मार्क्स, ठीक है. मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए, 108. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीरीज से है, ठीक है. सीरीज में सबसे पहली पहचान अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें सीरीज की फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में, ठीक है. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सीरीज हमारी किस ऑर्डर में है, तो सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है. नेक्स्ट हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि सीरीज की फर्स्ट और लास्ट टर्म में डिफरेंस हाई है या कम है, ठीक है. तो सबसे पहले डिफरेंस देखिए 30 से 1000 के अप्रॉक्स है, यानी डिफरेंस काफी हाई है, सॉरी, ठीक है. और नंबर ऑफ टर्म्स भी बहुत ही कॉमन, सिर्फ 5 है, ठीक है. तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर किस मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होने के चांसेस हैं, तो मल्टीप्लीकेशन. रीजन डिफरेंस इज काफी हाई. मल्टीप्लीकेशन में एक सेकंड पहचान है, अगर हमारी फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म का जो डिफरेंस हो, या तो वो +1 हो या -1 हो, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हम क्या लेंगे कि 30 से 31 कैसे आ सकता है, 1 से मल्टीप्लाई एंड +1, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करें तो 31 के बाद 70 है, 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई को ऑब्जर्व करें तो 3 से मल्टीप्लाई पे 90 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, तो वो तो है नहीं, 70 के अप्रॉक्स है, यानी 2 से मल्टीप्लाई. अगर मैं 31 के 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ बेटा, तो 62 आता है, ठीक है. यहाँ पर 70 लिखा है, यानी क्या किया है, +8 किया है, ठीक है. क्या वैल्यू ऐड किया है, +8. अब अगर हम समझें 1 से मल्टीप्लाई +1, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 8, क्या रिलेशन है, 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 एंड 2 से मल्टीप्लाई प्लस 8, प्लस 8 आपका क्या होता है, अगर हम बात करें 2 से इसे रिलेट करें तो 2 का क्यूब होता है. नेक्स्ट में से और ऑब्जर्व कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं 70 की करती हूँ तो 210 आता है, यहाँ पे 237 लिखा है, यानी +27 हो रहा है, ठीक है. तो ये क्या है, 3 से मल्टीप्लाई एंड 3 का क्यूब एड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 का क्यूब एड, 1 से मल्टीप्लाई 1 का क्यूब एड. नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 का क्यूब, ठीक है, यानी 64. नेक्स्ट में आपको टर्म बतानी है, तो 5 से मल्टीप्लाई, 1000 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000, 12 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, ठीक है. कैलकुलेशन कोशिश कीजिए, लिख कर ना करें, ब्रेक करके करें, ठीक है. तो 5060 आया, और उसमें हमें ऐड क्या करना है, तो उसमें हमें 5 का क्यूब यानी 125 ऐड करना, ठीक है. तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 185, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट सीरीज में अगर हम बात करें तो सीरीज में डिफरेंस काफी हाई भी विजिबल हो सकता है और हमें कम भी है, ठीक है. तो हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है. डिफरेंस अगर हम बात करें तो
21 से 125, डिफरेंस काफी हाई में काउंट नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में, देन हम डिसाइड करते हैं कि सीरीज में ठीक है डिफरेंस हाई है या नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस हमें हाई विजिबल नहीं हो रहा, सेकेंड हमें मल्टीपल के चांसेस भी विजिबल नहीं हो रहे, फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो 1 से मल्टीप्लाई विजिबल है पर सेकंड में वो सेटिस्फाई होना चाहिए और वो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, डिफरेंस करेंगे तो डिफरेंस कितना आ गया 2, अगेन डिफरेंस इज 9 है, अगेन डिफरेंस अगर हम करें तो 28 एंड अगेन डिफरेंस अगर हम करते हैं तो 65। अब इस डिफरेंस में आपको कुछ सिमिलैरिटी लग रही होगी, वो सिमिलैरिटी देखें क्या, 2, 9, 28 एंड 65, 28, 65 एंड 9 ये आपस में सिमिलर टाइप की वैल्यू है। कैसे अगर हम बात करें तो 2 का क्यू प्लस 1 इज 9, 3 का क्यू प्लस 1 इज 28, ठीक है, 4 का क्यू प्लस 1 इज 65 एंड 1 का क्यू प्लस 1 इज 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बता रही है तो उसमें हम क्या ऐड करें, तो आपके सामने है 4 का क्यूब था तो अब क्या होगा 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब इज 125, 125 में 125 ऐड करूंगी 250 और 1 उसमें और ऐड कर देंगे तो 251, तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 251। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पास क्लर्क में जो लेवल रहता है ना वो इजी टू मॉडरेट रहता है, डिफिकल्ट नहीं रहता, विद इन टाइम हमारी कैलकुलेशन हो जाती है, क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं आपके सामने हैं। ठीक है, सीरीज में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीरीज नहीं थी और अब तक जो हमने अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस किए वो भी बहुत ही ईजी थे। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में अगर देखें तो हमारे पास डिफरेंस, सीरीज हमारी किसमें है असेंडिंग ऑर्डर में और डिफरेंस काफी हाई है, 6 से 600 के अप्रोक्स है, तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के चांसेस होंगे। मल्टीप्लाई अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो 6 से 11 का रिलेशन 2 से मल्टीप्लाई माइनस 1 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं 11 से 32 का रिलेशन देखूं तो 3 से मल्टीप्लाई माइनस। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम देखें तो 4 से मल्टीप्लाई एंड माइनस 1 क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, 128। ठीक है, नेक्स्ट में यानी 5 से मल्टीप्लाई होगी माइनस 1 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बताने के लिए 6 से मल्टीप्लाई एंड माइनस 1। ठीक है, तो हम 634 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3803। ठीक है, 3803। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 3803। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सामने क्लियरली विजिबल हो रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसका है, केसले टीआई का, और केसले टीआई जो हमें क्लर्क में देखने के लिए मिलती है वो मोस्टली बहुत इजी होती है और हमेशा अगर हम बात करें 90% उसके चांसेस होते हैं टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्लर्क लेवल में, ठीक है, क्लर्क एग्जाम में जो केसले डीआई आती है वो बहुत ही इजी होती है और वो किसी ना किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट जरूर होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो केसले डीआई है इसमें हमें क्या दिया गया है, इन स्कूल पी टोटल टीचर्स आर 400 आउट ऑफ दिस 65% आर जूनियर टीचर एंड रेस्ट इज द सीनियर टीचर। तो ये तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पर स्कूल्स का डाटा दिया है उसमें जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं टोटल एंड सीनियर टीचर एंड जूनियर टीचर उनके रिस्पेक्ट में, तो कहीं ना कहीं हम पैराग्राफ की लाइन बाय लाइन डाटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, टेबल फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास जो भी स्कूल्स के नेम आते रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पर फर्स्ट अगर हम बात करें तो जूनियर टीचर, सेकेंड इज ए सीनियर टीचर एंड थर्ड हम टोटल के लिए लेंगे। ठीक है, इन स्कूल पी टोटल टीचर है कितने 400। ठीक है, जिसमें से 65% क्या है जूनियर है। ठीक है, तो 65 into 4
400 है ना, तो डायरेक्टली 4 कर देते हैं, तो कितना आएगा 260 हमारे पास कितने हो गए, जूनियर टीचर हो गए, तो रिमेनिंग 400 में से कितने हुए 140 हमारे पास सीनियर टीचर हुए। कैलकुलेशन आपको मोस्टली या तो ब्रेक करके करनी है, माइंड में ही करनी है, कोशिश कीजिए कि कम से कम हम कैलकुलेशन लिख कर करें। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, इन स्कूल क्यू टोटल नंबर ऑफ टीचर इज हाफ ऑफ द टीचर ऑफ स्कूल पी। जो स्कूल पी में टीचर है ना वो क्यू का, सॉरी पी का जस्ट हाफ है, ठीक है। तो पी में कितने थे 400, तो स्कूल क्यू में कितने हो जाएंगे 200, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीचर स्कूल क्यू में कितने होंगे 200, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहा गया, इन स्कूल क्यू 40% इज जूनियर टीचर, 200 का 40%, 10% इज 20, 40% इज 80, यानी 80 तो क्या है उसमें से जूनियर टीचर है, तो ये अंडरस्टूड है 120 क्या होंगे सीनियर टीचर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या है, टोटल टीचर इन स्कूल आर इज 55 लेस देन द नंबर ऑफ जूनियर टीचर इन स्कूल पी। स्कूल पी में जूनियर टीचर कितने हैं 260, इसका लेस 55 लेस क्या है स्कूल आर में टोटल टीचर है, ठीक है। 260 में से 55 कम करूंगे तो कितना आएगा 205 आएगा, यानी स्कूल आर में टोटल नंबर ऑफ टीचर कितने हैं अगर हम बात करें तो 205, ठीक है 205। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें क्या कहा गया है, नंबर ऑफ जूनियर टीचर, ठीक है, इन स्कूल पी इन स्कूल आर सीनियर टीचर आर इक्वल टू दी सीनियर टीचर ऑफ स्कूल क्यू। स्कूल आर में जो सीनियर टीचर है ना वो स्कूल क्यू के सीनियर टीचर के इक्वल है, यानी 120 के 120 ही होंगे, ठीक है। अब ये चीज देखिए, 205 में से 120 क्या है सीनियर टीचर है, ठीक है, तो 85 क्या होंगे जूनियर टीचर होंगे, ये अंडरस्टूड है ना। नेक्स्ट क्या कहा है, स्कूल टी, ठीक है, स्कूल टी के लिए हमें डिफाइन किया गया है टोटल सीनियर टीचर आर 100, सीनियर टीचर कितने दिए हैं 100, ठीक है, विच इज 20% ऑफ द टोटल, टोटल का 20% है, 20% इज 1/5, तो टोटल इज 500, ठीक है। टोटल टीचर कितने होंगे 500 एंड जूनियर टीचर कितने हो जाएंगे स्कूल टी में फिर 400, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर ली जिसमें हमारे पास सारा डाटा, यानी जो हमारे पास इस केसलेट डीआई में हमें डाटा डिस्क्राइब किया गया था वो हमने एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ जूनियर टीचर फॉर स्कूल पी एंड क्यू टुगेदर एंड टोटल नंबर ऑफ सीनियर टीचर ऑफ स्कूल आर एंड टी टुगेदर। सबसे पहले हमें जूनियर टीचर चाहिए, ठीक है, स्कूल पी एंड क्यू के, ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास 260 प्लस 80 इज 340। ठीक है, नेक्स्ट हमें आर और टी के सीनियर टीचर, तो ये कितने हो जाएंगे 220। डिफरेंस बताना है, ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ गया 120, ठीक है, हमें डिफरेंस बताना था तो डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई है 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्कूल टी 60% जूनियर टीचर आर फीमेल। ठीक है, सबसे पहले आ जाइए स्कूल टी में, ठीक है, जूनियर टीचर अगर हम बात करें तो कितने हैं 400 का 10% इज 40, ठीक है, तो 60% अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा 240 इसमें से क्या हो गई है फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि 24% ऑफ द सीनियर टीचर का 24% क्या है फीमेल, 100 का 24% इज 24 वो फीमेल, हमें टोटल फीमेल बतानी है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन स्कूल टी, स्कूल टी से फीमेल टीचर कितनी है, ठीक है, तो सम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 264, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्कूल क्यू आउट ऑफ द टोटल जूनियर टीचर सम आर मैरिड एंड सम आर अनमैरिड। ठीक है, सबसे पहले क्यू की बात करते हैं और जूनियर टीचर, तो वो कितने हैं 80, इसमें से कुछ मैरिड हैं और कुछ अनमैरिड है। ठीक है, मैरिड और अनमैरिड का हमें रेशियो जो दिया है, ठीक है, 3:5 दिया है, तो हमसे मैरिड पूछा है तो मैरिड की वैल्यू कितनी है 3:8, टोटल इज 8:30। क्लियर, बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन है, दोनों का अगर हम सम करें ना तो 8 ही बन रहा है। ठीक है, यानी 8 यूनिट इज इक्वलिंग टू 80,
ठीक है, हमें मैरिट टीचर बताने हैं, तो मैरिट टीचर आपके कितने हो रहे हैं, 3 यूनिट यानी 30 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ सीनियर टीचर ऑल दी स्कूल्स टुगेदर। हमें सीनियर टीचर का एवरेज बताना है, ठीक है, यहीं पर इसका सम कर लेते हैं, 480, ठीक है, और कितने स्कूल्स के रेस्पेक्ट में है, 4 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया है, 120। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, ठीक है, विद इन 10 to 15 सेकेंड इजिली हम क्वेश्चन को रीड करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर टीचर ऑफ स्कूल पी, सीनियर टीचर ऑफ स्कूल पी, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, 140, हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन दी, ठीक है, सीनियर टीचर ऑफ स्कूल आर, ठीक है, तो कितना मोर है, सबसे पहले अगर हम कंपैरिजन करें तो 20 आर के रेस्पेक्ट में, 120, ठीक है, 1/6, 1/6 किसके फ्रैक्शन होती है, 16.66% की, ठीक है, विद इन टाइम। हमें मोस्टली ये ऑब्जर्व करना है कि हमें कम से कम कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में क्लियरली विजिबल हो रहा था, 20 मोर है अपॉन 120, 1/6 फ्रैक्शन बनेगी, 1/6 इज 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रेडर मेक्स टू टाइप्स ऑफ राइस वैरायटी विद द कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज, एंड जब भी हमारे पास मिक्सचर है एलिगेशन का क्वेश्चन होता है, टू टाइप्स की वैरायटी है, तो ये तो पता है कि हमें एलिगेशन इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप की वैरायटी कितनी है, 20 रुपीज के जी, एंड सेकेंड टाइप की 26 रुपीज पर के जी, ठीक है, उसे मिक्स करने पे 30 रुपीज पे सेल करने पे 25% का प्रॉफिट होता है, तो 30 रुपीज हमारे पास क्या है, सेलिंग प्राइस, और 20 and 26 रुपीज हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। एलिगेशन हम सेम टाइप की वैल्यू पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तीनों वैल्यू हमारे पास कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, तो हम जो मिक्स करके मिक्सचर आया उसकी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं, तो वो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 30 रुपीज हमारे पास सेलिंग प्राइस है, जिसमें 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो यानी किसके इक्विवेलेंट है, 125 के, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 एंड ये 4, 5 से मिनिमाइज करेंगे तो कितना आ गया, 24 रुपीज, यानी मिक्स करने पर इस मिक्सचर की एक्चुअल कॉस्ट इज 24 रुपीज, ठीक है, 24 रुपीज आई है, अब हमारे पास तीनों कॉस्ट प्राइस है, एलिगेशन अप्लाई कर देंगे तो किस रेशियो में मिक्स किया है वो आ जाएगा, हमारे से यही पूछा गया था, इन व्हाट रेशियो ही मिक्स टू टाइप्स ऑफ राइस वेराइटी, ठीक है, तो एलिगेशन अप्लाई करेंगे 4 and 26 में से, तो 2:1:2, ठीक है, किस रेशियो में मिक्स किया गया था, 1:2 में मिक्स किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, ठीक है, तो सबसे पहले पता है 0.49 का आएगा 0.7, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1.2.5, ठीक है, 1.2, 1.1, ठीक है, ऐड करेंगे 7 and 5, 12 and 3 इज 5.5, ठीक है, नेक्स्ट हमें किसके रेस्पेक्ट में बताना है, 125 का ये कितने परसेंट है, ठीक है, तो 125 का अगर ये x परसेंट है अपॉन में 100, ये कैलकुलेशन अगर हम देखें तो यहीं से ये मिनिमाइज हो जाएगी 5, ठीक है, एंड ये 4, ठीक है, 5 से इसे कैंसिल आउट करें, 1.1, 4 से मल्टीप्लाई होगी तो कितना आ जाएगा, 4.4, x की वैल्यू कितनी आ गई, हमें x परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो 4.4%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 392 को डिवाइड करना है 28 से मल्टीप्लाई बाय 13, तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, 14 की 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, सबसे इजी मेथड 14 की अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 13 की 13 से मल्टीप्लाई करें एंड प्लस 1 कर दें, ठीक है, 169 और उसी में 13 और ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी के रिस्पेक्ट में भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, प्लस
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीआई का है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इस डीआई में बात करते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएट फ्रॉम टू यूनिवर्सिटी इग्नू एंड एचएनबी, ये रहा हमारा क्वेश्चन। चलिए इस कैलकुलेशन को छोड़ते हैं, ठीक है। यहां पर हमारी रिमेनिंग कैलकुलेशन क्या रहेगी, 13 × 14 + 156, ठीक है, एक्स का क्यूब प्लस 122, ठीक है, ये कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, माइनस 122 एक्स के क्यूब के इक्वल, ठीक है, 182 में से 122 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 60। 156 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 एक्स के क्यूब के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 6, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डाटा इंटरप्रिटेशन है। एसबीआई क्लर्क में हमारे पास जो डीआई आती है मोस्टली सिंगल ग्राफ, यानी सिंगल ग्राफ का मतलब डबल ग्राफ के चांसेस कम होते हैं। इनडायरेक्ट वे में डाटा बहुत ही रेयर होता है, डायरेक्ट वे में ही रिप्रेजेंट किया होता है। और बार ग्राफ में हमेशा 90 to 95% हमारे पास जो डाटा होता है वो डायरेक्ट फॉर्म में होता है। तो ये बात तो क्लियर हो रही है कि हमारे पास टू टाइप्स के, ठीक है, यूनिवर्सिटी दी गई है, उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में डाटा दिया हुआ है 5 different years के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा है ना वो इस डीआई में, वो क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, इन विच ईयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन इग्नू एंड द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन एचएनबी जीयू, ठीक है, इज हाईएस्ट। वो तो हमें देखते ही क्लियर विजिबल हो रहा है। अगर यहां पर मैं डिफरेंस कहूं तो 1500 का, यहां पर डिफरेंस का है 3000 का, ठीक है, जो मैं लिख देती हूँ 3000 1500, ठीक है, यहां पर 1500, अगेन यहां पर बात करें 3000, पर यहां पर अगर हम डिफरेंस करें 4500, ठीक है, 13500 में से 9000 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4500। और वैसे भी हमें क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि सबसे मैक्सिमम डिफरेंस कितना किसमें है, 2016 में ही है, ठीक है। चल डिफरेंस को हम नहीं भी फाइंड करते तो भी हमें क्लियर विजिबल हो रहा था, ठीक है। तो कौन से ईयर में मैक्सिमम डिफरेंस इज, 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम एच एन बी जी यू इन 2013 एंड 14 टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट। सबसे पहले हमें किसके लिए चाहिए, एच एन बी के रिस्पेक्ट में, 2013 एंड 14 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है 2013 एंड 14, सम इज 10,500 एंड 7500 18,000, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 18,000, ठीक है। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम इग्नू इन ऑल द ईयर टुगेदर, इग्नू के रेस्पेक्ट में, इग्नू के सारे इयर्स का हमें फाइंड करना है। तो सबसे मेन चीज हम अगर देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इग्नू की कितनी हो गई हमारे पास, 18,000 प्लस 12,000। कैलकुलेशन हमेशा ऐसे करिए, पेयर बना के या ब्रेक करके, जिससे हम इजिली कैलकुलेट कर सके। 12,000 में मैं 7,500 ऐड करती तो 19,500 आता, फिर 9,000, फिर वो 500 हमारा कैरी फॉरवर्ड रहता। तो हम ऐसा कॉम्बिनेशन पेयर बनाए जिससे हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी है, 12,000,
और ये पेयर हमने बनाया तो इससे हमारे पास वैल्यू कितनी हो गई, ये एन इससे, ठीक है, तो कितनी 18,000, 18,000 प्लस 9,000, चाहे 18,000 हम 12,000 में ऐड करें तो 30,000 हो गया, 30 प्लस 9 इज 39,000, 39,000 में, ठीक है, अगर हम 13 ऐड करते, ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 52,000 एंड 52,500, ठीक है, तो हमारे को ये वैल्यू फाइंड करनी है 52,500, ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं ना कहीं हम फाइंड कर लेते हैं, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, 25 से मिनिमाइज करते हैं, तो 25 से हमारी ये वैल्यू 2 times, ठीक है, फिर 21, और 25 से इसे मिनिमाइज करते हैं तो ये हमारा 7 times जाएगा, फिर अगेन 5, ठीक है, ये 1 वैल्यू बनेगी हमारी, फिर अगेन अगर हम बात करें 5 रिमेनिंग रह जाएगा 2 times, ठीक है, 720, ठीक है, 21 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 times जाएगा, ठीक है, फिर 4 times आएगा, 34% के अप्रॉक्स, ठीक है, कितने के अप्रॉक्स, 34% के अप्रॉक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन ग्रेजुएट फ्रॉम HNBGU इन 2014-15-16 टुगेदर, ठीक है, और नेक्स्ट हमें किसके रिस्पेक्ट में, नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम इग्नू 2013-12 एंड 14 के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हमें HNBGU के रिस्पेक्ट में कौन कौन से ईयर का चाहिए, 2014 का, ठीक है, फिर हमें 2015 का एंड फिर 2016 का, ठीक है, कौन कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में, HNB के लिए 2014, 15 एंड 16, 7500 प्लस 7500 इज 1500, 15,000, 15,000 प्लस 9,000 इज 24,000, ठीक है, HNBGU का, ठीक है, 2014 हमारे पास 14 के रिस्पेक्ट में, 15 एंड 16 के रिस्पेक्ट। फिर हमें फाइंड करने इग्नू के स्टूडेंट कौन कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में, 2012, 13 एंड 14, इग्नू के लिए अगर हम बात करें 12, 13 एंड 14, 12 एंड 9, ठीक है, 21,000 प्लस 28,500, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 28,500, ठीक है, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 5 से इसे मिनिमाइज करते हैं तो 5 से हमारे पास वैल्यू आएगी 48, 5 से इसे मिनिमाइज करेंगे 7, फिर अगेन 3 से दोनों वैल्यू मिनिमाइज हो रही है 16 एंड ये 19, ठीक है, तो क्या रेशियो आ गया, 16:19 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम इग्नू इन 2012 एंड 13 इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंट लेस एंड लेस या मोर देन द नंबर ऑफ ग्रेजुएट फ्रॉम HNB इन 2015 एंड 16 टुगेदर। सबसे पहले हमें इग्नू के स्टूडेंट चाहिए कौन से ईयर के रिस्पेक्ट में, तो वो 2012 एंड 13 के, तो ये कितने हो गए हमारे पास 19,500, ठीक है, फिर हमें किसके लिए चाहिए 15 एंड 16 के रिस्पेक्ट में HNB के, तो वो कितने हो गए 9,000 प्लस 7,500, तो 16,500। तो सबसे पहले मोर है या लेस है, तो मोर है, और कितना मोर है अगर मैं बात करूं तो 3,000 मोर है, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये 16,500 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन मिनिमाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 18%, ठीक है, कितने परसेंट मोर है, तो 18% मोर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट इन HNB, ठीक है जी, सबसे पहले हमें एवरेज फाइंड करना है, तो हमें टोटल चाहिए होंगे, ठीक है, HNB के, तो वो हम यहीं से सम कर लेते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये तो आपके पास 15,000 वैल्यू गए, ठीक है, 15,000 प्लस 9,000 इज 24,000, 24,000, ठीक है, प्लस 10,000 अगर हम बात करें तो 34,000, 34,000
34,000 में, फिर 4,000 और ऐड करते हैं तो 38,000 प्लस 10,000 48,000, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने आ गए, तो एच एन बी जी यू के टोटल 5 ईयर्स के रिस्पेक्ट में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 48,000। ये किस कितने ईयर्स के रिस्पेक्ट में, 5। तो हमें एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड कर लेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ जाएगा एवरेज, 9,600, ठीक है। जब भी किसी नंबर को क्या है 5 से डिवाइड करना होता है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे और एक जीरो रिमूव, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 को, ठीक है, तो 96,000 हो जाएगा और एक जीरो रिमूव करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9600, ठीक है। तो एवरेज कितना आ गया, 9600 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, टू ट्रेन्स आर रनिंग ऑन ए पैरेलल लाइन इन ए सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर एंड 39। सबसे पहले सेम डायरेक्शन पे टू पैरेलल लाइंस के रिस्पेक्ट में हमें ट्रेन की स्पीड दी गई है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव स्पीड हम कैसे फाइंड करते हैं, दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है, फास्टर ट्रेन क्रॉस ए मैन इन स्लोअर ट्रेन इन 56 सेकेंड। एक चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है कि फास्टर ट्रेन क्या है, स्लोअर ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ना कि उस ट्रेन को क्रॉस कर रही है। तो यानी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, क्रॉसिंग टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें, तो क्रॉसिंग टाइम बराबर आपके पास होता है L1 प्लस L2 अपॉन में V1 प्लस माइनस V2। यहाँ पर है तो टू ट्रेन, जाहिर सी बात है उनकी रिलेटिव स्पीड होगी, पर एक ट्रेन सेकेंड ट्रेन में बैठे एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, तो फास्टर ट्रेन की तो लेंथ होगी, पर सेकेंड ट्रेन की लेंथ ना लेके हम उसमें ऑब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, एक पर्सन, तो उसकी उनकी उसकी लेंथ क्या है ट्रेन के आगे क्या होगी, यानी जीरो, ठीक है। तो फास्टर ट्रेन की हम लेंथ मान लेते हैं एल, ठीक है। वेलोसिटी अगर हम दोनों की बात करें तो 75 माइनस रिलेटिव स्पीड कितनी होगी आपके पास, 39 एंड 5 बाय 18, ठीक है। और क्रॉसिंग टाइम हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, तो क्रॉसिंग टाइम हमें कितना दिया है, 56 सेकेंड। इसे एक सिंगल स्टेप में ही हम कैलकुलेट कर लें, हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू उधर जाएगी 56 इंटू में 36 सब्ट्रैक्ट करने पे इंटू 5 बाय 18, ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रेन की फास्टर ट्रेन की लेंथ आ गई, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 times 10 की 5 से 10 फिर 560 आ जाएगी, ये फास्टर ट्रेन की 560 लेंथ आ गई। पर हमें यहाँ पर दिया गया है कि जो स्लोअर ट्रेन है ना उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, और वो फास्टर ट्रेन से क्या है, 4/7 है, तो डायरेक्टली यहाँ 4/7 कर देते, ठीक है। 4/7 करेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे 8, ठीक है, तो आपके सामने है ये वैल्यू आ जाएगी, 560 थी, ठीक है, ये 10 320, ठीक है। तो स्लोअर ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई है, 320, ठीक है, 320 मीटर, ठीक है। फास्टर ट्रेन की लेंथ कितनी है, 560, एंड स्लोअर ट्रेन की लेंथ कितनी है, 320, ठीक है। तो हमारे पास SBI क्लर्क में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत हाई लेवल के नहीं होते, इजी टू मॉडरेट होते हैं और बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते, हम विद इन टाइम उसे कर पाते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो 2021 का मेमरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन ही क्वांट सेक्शन के डिस्कस किए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर एक और सीरीज के साथ।